वन्य प्राणियों की घटती संख्या पर वन विभाग हमीरपुर पूरी तरह से चिंतित हो गया है और वन्य प्राणियों को लेकर वनों में जाकर सर्वे किया जा रहा है। खासकर तेंदुए के बढ़ते हमले वाले क्षेत्रों को सर्वे के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में इन क्षेत्रों के लिए विस्तृत योजना तैयार करके वन्य प्राणी संरक्षण के साथ आम जनता की सुरक्षा पर भी पुख्ता काम किया जा सके। हमीरपुर DFO प्रीति भंडारी ने बताया कि 8 दिनों की सर्वे रिपोर्ट के बाद में आंकलन करने के बाद जीव जंतु संरक्षण के लिए नई योजनाएं बनाई जाएंगी। वन विभाग हमीरपुर के इस प्रयास के पहले चरण के तहत तेंदुए समेत अन्य जानवरों की गणना पूरी कर ली गई है और अब विभाग द्वारा दूसरे चरण में छोटे जानवरों की गणना से लेकर वन भूमि की भौगोलिक स्थिति का पता लगाया जा रहा है। वन विभाग के अनुसार सर्वे रिपोर्ट आने के बाद आंकलन के लिए किसी एजेंसी की मदद ली जाएगी और वन्य प्राणी अनुसंधान केंद्र में भेजी जाएगी। DFO हमीरपुर प्रीति भंडारी ने कहा कि तेंदुए जाते घटनाओं वाले एरिया में तेंदुए की गणना से लेकर उपस्थिति के लिए वन विभाग सर्वे करवा रहा है ताकि पता चल सके कि तेंदुए और अन्य प्राणी कितनी संख्या में है। साथ ही सर्वे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जंगलों से बाहर तेंदुए निकलकर क्यों हमले कर रहे हैं। में हमने ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए एक सर्वे शुरू करवाया है जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ पे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कितना ज्यादा जो लेपर्ड जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है और किस किस एरियाज में है। जैसे कि सर्वे के बाद हम ये जान पाएंगे कि कौन से ऐसे हमारे एरिया हैं जहाँ पे इसकी ज्यादा मूवमेंट है और कौन कौन से ऐसे हमारे हॉट स्पॉट हैं जहाँ पर हमको कुछ वर्कआउट करने की जरूरत है। तो ये सर्वे हमारा 19 तारीख से शुरू हुआ था। तो इसका जो एक पहला इसको हम फेज कह सकते हैं कि जिसमें हमने एक साइन सर्वे किया है, कार्निवोर साइन सर्वे, जिसमें हमने ये देखा है कि कहाँ कहाँ पे जो कार्निवोर स्पीशीज है, जिसमें हमारा लेपर्ड है, हमारा फॉक्सेस के मिले हैं हमको सैंपल, तो वो कहाँ कहाँ पे उनका मूवमेंट है वो हमने एक असेसमेंट किया है। तो अब इसका जो नेक्स्ट फेज है कि जिसमें हम प्रे बेस्ड सर्वे करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास हमारे जंगलों में ऐसे कौन से जंगली जानवर मौजूद हैं जिसको जो कार्निवोर स्पीशीज हैं एज ए अपना जो उनका आहार है उसके लिए वो उसको यूज करते हैं, जैसे सांबर हो गया, नील गाय होगी, कक्कड़ होता है। तो इन सब जानवरों की एक पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए हमारा जो अगला एक्सरसाइज है वो कल से शुरू हो रहा है, यानी कि हम 24 तारीख से उसको शुरू करेंगे। 3 दिन का ये चलेगा जिसमें हम इनकी एक एस्टिमेशन करेंगे, साथ ही साथ जो वेजिटेशन कवर है, फॉरेस्ट की हेल्थ कैसी है उसकी भी हम सैम्पलिंग करेंगे, हमारा ग्राउंड कवर कैसा है उसकी भी सैम्पलिंग की जाएगी और इसके साथ साथ उन जंगलों पे ह्यूमन प्रेशर कितना है इसकी भी हम एक सर्वे करेंगे। तो 3 दिन के बाद हमारे पास और ज्यादा डाटा इकट्ठा हो जाएगा। तो अंत में हम ये पूरे जो 8 दिन हमने एक्सरसाइज की, ये जो भी डाटा हमारे पास आएगा इसको कंपाइल करके इसकी हम एनालिसिस करेंगे, जिसकी एनालिसिस हम किसी इंस्टीट्यूट से कराएंगे, जैसे हमारा WII है वहां पे हम डाटा को भेजेंगे। तो जो भी उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको ध्यान में रखते हुए हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो कर सकेंगे। हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से हमारे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया हैं, कौन से हमारे हॉटस्पॉट एरिया हैं जिनको हम मार्क करें और हम रेंज लेवल पे अपनी जो हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम हो वो उसको हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि ताकि कहीं पे भी कोई ऐसा इश्यू सामने आता है तो एकदम से हमारे रेंज लेवल पे ही उस इश्यू को एड्रेस किया जा सके। साथ ही साथ इससे हमें हमारे जंगलों की हेल्थ का भी पता चलेगा कि हमारे जंगल कितने हेल्दी हैं और लोगों का कितना प्रेशर है। तो ये सारी चीजें जो है डाटा एनालिसिस के बाद हमारे सामने आएगी। पहला जो फेज था साइंस सर्वे का वो हमारा पूरा हो चुका है, पर डाटा जो है हमारा अंत में हमारे पास इकट्ठा डाटा हमें जो है हमारा स्टाफ जो है सबमिट करेगा। हम पॉपुलेशन सेंसस करते हैं, हम जैसे इंसानों की गणना होती है, जानवरों के केस में वो गणना जो है वो संभव नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन एस्टिमेशन लेते हैं, एस्टिमेशन मतलब अनुमानित कि जंगलों में कितने जानवर जो है वो अनुमानित तौर पे प्रेजेंट है। उसमें हम क्या करते हैं कि एक 2 किलोमीटर का लंबा एक ट्रांजेक्ट डालते हैं, ट्रांजेक्ट मतलब एक 2 किलोमीटर का एक स्ट्रेट एक रास्ता हम किसी जंगल में डाल देंगे। तो क्या होगा कि जो हमारा स्टाफ होगा वो उसी रास्ते के ऊपर शुरुआत जहां पे उसकी शुरुआत होगी रास्ते की 2 किलोमीटर स्ट्रेच की, वहां से वो चलेगा, वो चलता रहेगा और वो देखेगा अपने दाएं अपने बाएं दोनों तरफ देखेगा, जहां पे उसको कोई जंगली जानवर दिखा तो वो देखेगा कि मेरे को कौन सा जानवर दिखा, साथ ही साथ कितनी दूरी पे है उस
उस आदमी से जो चल रहा होगा स्टाफ, वो अपना अपने आप जो लोकेशन है उसको चेंज ही करेगा, उसी रास्ते पे खड़े होके देखेगा वो कि कितनी दूरी पे जानवर मौजूद है। वो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है रेंज फाइंडर, उसकी मदद से वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, देन कंपास होता है, कंपास से वो उसका एंगल लेगा, तो जिसके हेल्प से हम उस एक पर्टिकुलर प्लॉट में कितने जानवर मौजूद हैं उसकी डेंसिटी जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी रीडिंग को फिर हम एक्सट्रापोलेट करते हैं, एक अनुमानित तौर के ऊपर हम एक संख्या का जो है एस्टिमेशन जो है वो हम लेते हैं कि इस जंगल में कितने जानवर जो है वो मौजूद हो सकते हैं।